एंड कॉमेडी को लेकर के डिस्कस करेंगे, और जो ये शेक्सपियर एंड कॉमेडी है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, केवल पॉइंट वाइज अभी बात होगी और उस पॉइंट वाइज को आप लिखते चलिएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज व्हाट, दैट इज अ शेक्सपियर एंड कॉमेडी, पी ई ए आर ई ए एन, शेक्सपियर एंड कॉमेडी। एंड रिमेंबर दैट कि व्हेन आई टॉक अबाउट दिस शेक्सपियर एंड कॉमेडी, तो सबसे पहला चीज कि दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि शेक्सपियर एंड कॉमेडी इज आल्सो नोन एज रोमांटिक कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी। शेक्सपियर एंड कॉमेडी को हम रोमांटिक कॉमेडी भी कहते हैं। दूसरा चीज, ये रोमांटिक कॉमेडी के अलावा हम लोग शेक्सपियर एंड कॉमेडी को एक और नाम देते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज एलिजाबेथन कॉमेडी। ये किसका तीसरा नाम है, और तीसरा नाम क्या है, एलिजा और करके, दैट इज व्हाट, और करके यू विल कम टू नो, और एलिजाबेथन कॉमेडी, ई एल आई जेड ए बी ई टी एच ए एन, एलिजाबेथन कॉमेडी। इट इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन कॉमेडी और एलिजाबेथन कॉमेडी। एंड सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि व्हेन वी टॉक अबाउट शेक्सपियरियन कॉमेडी और एलिजाबेथन कॉमेडी, देन रिमेम्बर दैट कि क्वीन एलिजाबेथ के समय में आया था। रोमांटिक कॉमेडी क्यों कहा गया, चूंकि इसमें जो है कुछ रोमांटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे लव है, अफेयर है, ब्यूटी है, इन सब चीजों को लेकर के। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये नोट करना है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी वॉज रिटेन इन बोथ प्रोजाइक एंड पोएटिक लैंग्वेज, नंबर वन पॉइंट। सो आई वॉज टेलिंग यू कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला चीज की जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इट इज रिटेन इन बोथ प्रोजाइक एंड पोएटिक लैंग्वेज, बोथ प्रोजाइक एंड पोएटिक लैंग्वेजेस। नंबर वन पॉइंट, इट इज रिटन इन बोथ प्रोजाइक एंड पोएटिक लैंग्वेजेस। नंबर टू पॉइंट, इट इज फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी, फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी, मतलब शेक्सपियरियन कॉमेडी में फीमेल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इट इज फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी। तो जो पॉइंट वाइज है वो अगर आप कर लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि शेक्सपियर कॉमेडी इट इज रिटन इन बोथ प्रोजाइक एंड पोएटिक लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा चीज मैंने बताया, इट इज फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी, यह जो कॉमेडी है कैसी कॉमेडी है, फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी, फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी। फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी का मतलब ये हो गया कि इसमें हीरोइन सेंटर में है, हीरो सेंटर में नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वह हीरोइन का दिया गया, इट इज फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी। नंबर थर्ड पॉइंट कि एक क्रिटिक है जॉन रस्किन, जो दूसरे पॉइंट से आपको को रिलेट करके मैं यहां बात करना चाहता हूं। जॉन रस्किन है, वो कहते हैं कि शेक्सपियर कॉमेडी हैज ओनली हीरोइंस नॉट हीरोज। ये उसी की ही बात करते हैं जो मैंने अभी आपको अपनी लैंग्वेज बताया कि इट इज फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी। तो देर इज अ क्रिटिक, और क्रिटिक का नाम है जॉन रस्किन, आर यू एस के आई एन, जॉन रस्किन सेज। जॉन रस्किन क्या कहते हैं, शेक्सपियरियन कॉमेडी, एस एच ए के ई एस पी ई ए आर ई ए एन, शेक्सपियरियन कॉमेडी हैज ओनली हीरोइंस, एच ई आर ओ आई एन ई एस, नॉट हीरोज। शेक्सपियरियन कॉमेडी हैज ओनली हीरोइंस नॉट हीरोज, एच ई आर ओ एस,
शेक्सपियरियन कॉमेडी में केवल हीरोइंस और हीरोज नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। इट एंड्स विद द रिंगिंग, RINGING, इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज, इसका जो समापन होता है वह किसके साथ होता है, वह जो है रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज के। इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज मतलब लास्ट में आप देखेंगे कि इसका जो समापन होता है वह रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज से। इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज, इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज मतलब मैरिज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देर इज लव, अफेयर, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, लेकिन ये कहा जाता है इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। दूसरा जो एक, पहले सब पॉइंट्स मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, जहां पे आपको नहीं समझ में आएगा आई विल एक्सप्लेन, लेकिन एक बार मैं इसको पहले शेक्सपियर कमेडी पे बात कर चुके हैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, केवल पॉइंट्स पर ही बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी कॉमेडी द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है उसमें भी जो कोर्स ऑफ ट्रू लव है वह इतना आसानी से नहीं चलता। सम प्रॉब्लम कम, सम हिंड्रेंस कम इन बिटवीन हीरो एंड हीरोइन। तो यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है उस शेक्सपियरियन कॉमेडी में जो ट्रू लव है, जो ट्रू लव हम देखते हैं बिटवीन हीरो और हीरोइन के बीच, उसका वह इट डज नॉट रन स्मूथ। इट डज नॉट रन स्मूथ का मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं कि सोसाइटी उसको आसानी से स्वीकार कर लेगी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि इन शेक्सपियर कॉमेडी द कोर्स ऑफ ट्रू लव नॉट लव, बट कि लव से पहले कौन सा वर्ड है, ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, उसमें प्रॉब्लम आना ही आना है। नंबर सिक्स पॉइंट, इन शेक्सपियर कॉमेडी इन शेक्सपियर कॉमेडी देयर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजिक लव म्यूजिक कामा लव कामा इन शेक्सपियरियन कॉमेडी SHAKESPEARIAN इन शेक्सपियरियन कॉमेडी देयर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजिक लव इमोशन फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन। शेक्सपियर कॉमेडी में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वह ये आता है कि देर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशन फीलिंग्स लव एंड इमेजिनेशन। तो वी कम टू नो कि देर आर दीज पॉइंट्स या दीज पॉइंट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट कि इन शेक्सपियर कॉमेडी देर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लव फीलिंग्स इमोशन इमेजिनेशन वी फाइंड दीज थिंग्स। सो वट आई वॉन्ट टू से वट आई वॉन्ट टू टेल यू कि वेन एवर यू गो विद दीज पॉइंट्स या वेन एवर वी टॉक अबाउट शेक्सपियर कॉमेडी, ये सब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमेशा बिल्कुल रटा होना चाहिए, उसमें हमें उसको किसी भी तरह से भूलना नहीं चाहिए। आई थिंक नाउ इट्स द सेवेंथ पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया इन सम कॉमेडी इन सम कॉमेडीज कुछ कॉमेडीज में जो है आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया भी है।
और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया का मतलब ये होता है कि कुछ सीन कॉमेडी की ऐसी जगह घटित होगी जहां पे दिखाया जाएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मेरी मेकिंग लाइफ है। यू विल कम टू नो कि वहां पे दिखाया जाता है कि मेरी मेकिंग लाइफ है, नो हर्डल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सब कुछ वेल रिफाइंड है, वेल पॉलिश्ड है, ऑल आर बिजी ओनली इन लव मेकिंग एलिमेंट्स, सबके सब लोग बिजी है लव मेकिंग एलिमेंट्स में। तो ये चीजें रही हैं। तो जस्ट आई वॉन्ट टू नो कि जो मैं 7 पॉइंट्स बताया हूं या उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, बैकग्राउंड से किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्हेन आई एम ऑनलाइन प्लीज म्यूट योर सेल्फ, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ एटिकेट कि आई हैव टू से अगेन एंड अगेन। जस्ट आई वॉन्ट टू नो कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया या 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, क्या जो है ये चीजें क्लियर हो रही हैं? किसी को कोई इसमें अगर क्वेश्चन करना हो तो मैं इसको करूं, उसके बाद मुझे 5 पॉइंट पे अभी और बात करना है। वन बाय वन यूटोपिया क्लियर कर दें। यूटोपिया उस दिन भी मैंने लिखा था, आपको बताया था कि यूटोपिया एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि प्लेस लाइक हेवन। एक यूटोपिया एक ऐसा लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कि हम एक ऐसी जगह की कल्पना कर रहे हैं जो स्वर्ग जैसी है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट करके, केवल मैं बता ही नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ कि यूटोपिया, यूटोपिया इट्स अ लैटिन वर्ड विच रिफर्स टू विच रिफर्स टू अ प्लेस लाइक हेवन, मतलब एक आदर्श जगह जहां पे दुख नाम की चीज ना हो, हर जगह जस्टिस हो। तो ये ऐसा कहा जाता है ये चीज केवल स्वर्ग में संभव है, लेकिन उसकी तस्वीर धरती पर भी उतारने की कोशिश की गई है। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यूटोपिया उसका नाम दिया गया। तो यूटोपिया जो होता है इट्स अ लैटिन वर्ड विच रिफर्स टू अ प्लेस लाइक हेवन। इसी यूटोपिया का ही अपोजिट एक शब्द होता है जिसका नाम होता है डाइस्टोपिया। ये दोनों शब्द पूछे जा चुके हैं, डाइस्टोपिया ये भी एक लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड मींस अ प्लेस लाइक हेल, अ प्लेस लाइक हेल, नर्क जैसी जगह। तो लेट मी टेल यू कि और किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्क्रीन जब शेयर किया मुझे नहीं पता कि कौन क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है या किसकी क्या प्रॉब्लम है। यू आर नॉट विजिबल, ओनली स्क्रीन इज विजिबल। तो वेन एवर यू आस्क क्वेश्चन मुझे आप बताइए, और अपना नाम लेकर के अगर किसी को कुछ पूछना है, या मैं आगे चलूं। ओके, या सर्विस जी, प्लेटो की रिपब्लिक में कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया सबसे पहली बार प्लेटो के रिपब्लिक में आता है। इस ऐसा नहीं कि वहां पे इस शब्द का यूज किया गया, वहां पर ये चीज दिखाया गया है कि ये पार्टिकुलर जो होगा इस तरह का कॉन्सेप्ट किस किताब में मिलता है, कि यूटोपिया के बारे में जो कल्पना की जाती है वैसा डिस्क्रिप्शन किस किताब में है, रिपब्लिक में है। बाकी अभी कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले मैंने लिखवाया था टॉमस मोर्स यूटोपिया करके किताब, याद है कि नहीं? अभी जब मैं क्रोनोलॉजी लिखवा रहा था, कल या परसों की ही बात होगी, मुझे लगता है कल शायद मॉर्निंग की क्लास। हाँ, वहां पे किताब का नाम, वो किताब का नाम और अदर चीज है कि यूटोपिया किताब भी आई हुई है, लेकिन वो कब आई है, जब अभी हम बता रहे थे कि क्रोनोलॉजी मिडिल एजेस की जो एज ऑफ रिवाइवल से रिलेटेड था। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया जो शब्द है, कि यूटोप आदर्श राज्य की जो बातें होती है, या आदर्श राज्य की बातें सबसे पहले प्लेटो की रिपब्लिक में आता है। तो जब आप लिख रहे थे ये भी लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया फर्स्ट केम इन प्लेटोज रिपब्लिक
इन प्लेटोज रिपब्लिक। दूसरा चीज, इन द एज ऑफ रिवाइवल, रिवाइवल टॉमस मोर्स, कहीं कहीं पे मॉरिस नाम आया, कहीं कहीं पे मोर्स आया हुआ है। तो हमने आपको पहली बार जो लिखवाया था मॉरिस लिखवाया, दोबारा मैंने मोर्स लिखवा रहे हैं, तो डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। थॉमस मोर्स, थॉमस मोर नॉट मोर्स रोट अ बुक यूटोपिया। अगर ये पूछा जाएगा कि एज ऑफ रिवाइवल में किस आदमी ने यूटोपिया के नाम से किताब लिखा, तो दैट इज थॉमस मोर या मोर्स यूटोपिया। अब उसके बाद आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है, उस शेक्सपियरियन कॉमेडी में क्या क्या चीज नहीं है। शेक्सपियर की कॉमेडी में यू विल कम टू नो, जो शायद 8th पॉइंट बनेगा, देयर इज नो यूज ऑफ थ्री यूनिटीज कोरस। देर इज नो यूज ऑफ थ्री यूनिटीज और कोरस, थ्री यूनिटीज का और कोरस का कोई यूज नहीं है शेक्सपियरियन कॉमेडी में। एंड पेटी सब्जेक्ट मैटर, पेटी सब्जेक्ट मैटर शेक्सपियर की कॉमेडी में यू विल कम टू नो, कहीं से भी थ्री यूनिटीज का यूज नहीं है, कोरस का यूज नहीं है, और जो पेटी सब्जेक्ट मैटर है इस तरह की चीजों का यूज नहीं है। बल्कि शेक्सपियर की कॉमेडी में जिन चीजों का यूज किया गया है वो मैं पहले लिखवा चुका हूँ, इमोशन है, फीलिंग्स है, इमेजिनेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है, वेयर हीरो एंड हीरोइन मीट्स फेरी लैंड जैसा कॉन्सेप्ट है। जो फेरी लैंड होता है वह कहीं ना कहीं परियों का देश जो है वह कैसा होता है, वह यूटोपिया जैसा ही होता है। तो यू विल कम टू नो कि उस तरह की बातें जो है शेक्सपियरियन कॉमेडी में देखने को मिलती हैं, कि देयर इज नो यूज ऑफ थ्री यूनिटीज कोरस एंड पेटी सब्जेक्ट मैटर। पेटी सब्जेक्ट मैटर जो है ग्रीक कॉमेडी में रहा है, और जिसमें आप ये पाते हैं कि जो पेटी सब्जेक्ट मैटर होता है उसका मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो केवल आपको हंसाने का काम करता है। जैसे अगर आप जोकिंग कर किसी से जोक अगर आप किसी को जोक सुना रहे हैं, किसी की मिमिक्री कर रहे हैं, कोई रिडिकुलस चीजें हो गई हैं, बैक बाइटिंग हो गया, ये सब पेटी सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन वह सब्जेक्ट मैटर जो अपने आप में इमोशन लिए हुए है, जिसमें अपने आप में जो है फीलिंग्स है, जज्बात है, इम्पोर्टेंस ऑफ सोल है, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट है, अगर आप उन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं तो वह पेटी सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं। दूसरा चीज जो है, जब आप इसकी बात करते हैं तो जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है उसमें म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहा है। 9वां सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजिक, सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूजिक एंड सॉन्ग। ऑफन यू विल सी कि शेक्सपियरियन कॉमेडी स्टार्ट्स विद द मीन्स इन मेरी मेकिंग एटमॉस्फियर, सिंगिंग है, म्यूजिक है, डांस है, कैरेक्टर्स उसके इस तरह का चीजें करते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा 12th नाइट, 12th नाइट में ड्यूक आर्सिनो है, और ड्यूक आर्सिनो एक लाइन बोलते हैं, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। ये पॉइंट आप जरूर लिख लीजिएगा, 9वां 10वां। हाँ, और ये 10वां पॉइंट उसी से रिलेटेड है जो आपको ध्यान में रखना है, कि इन 12th नाइट, ये आपको पता है ये कि 12th नाइट शेक्सपियर की कॉमेडी है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि 12th नाइट, इन 12th नाइट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, इन 12th नाइट ड्यूक आर्सिनो, आर्सिनो सेज, इफ इन 12th नाइट ड्यूक आर्सिनो सेज, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव
ऑफ लव देन प्ले ऑन। ये चीजें जो है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मतलब अगर जो है उन्होंने कहा कि ड्यू कार्सिनो ने कि अगर म्यूजिक से हमारे हमारे हमारा जो लव है वो बढ़ता है तो लगातार म्यूजिक बजने दिया जाए। इफ म्यूजिक बी द फूड, अगर म्यूजिक फूड है, किसका फूड है, लव का फूड है, तो देन प्ले ऑन, इसको जारी रखा जाए। प्ले ऑन का मतलब होता है जारी रखना, लगातार संगीत बजता ही रहे। तो इस तरह की बातें जो है होती है, जहाँ पे मेरी मेकिंग एटमॉस्फियर है, लव है, म्यूजिक है, डांस है, एक रोमांटिक एटमॉस्फियर है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है। तो यू विल कम टू नो कि वी फाइंड दीज थिंग्स। और रिमेम्बर दैट कि जब आप शेक्सपियरियन कॉमेडी पढ़ेंगे तो शेक्सपियरियन कॉमेडी और ग्रीक कॉमेडी में जमीन आसमान का अंतर है। जो जो ग्रीक कॉमेडी थी वह केवल प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखी गई है, और शेक्सपियरियन कॉमेडी में दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया, प्रोजाइक और पोएटिक लैंग्वेज का। कहीं कहीं पे प्रोजाइक का, वरना ज्यादातर बातें पोएटिक लैंग्वेज में है। और जो आपका ग्रीक कॉमेडी थी उसमें पेटी इश्यूज केवल था, सटायर था, आयरनी थी, रिडिकुलस एटमॉस्फियर था, पेटी सब्जेक्ट मैटर था, लस्ट था, पैशन था, बैकबाइटिंग थी, मिमिक्री, मतलब समवन कैरेक्टर को बहुत ही दिखाया गया था कि उसमें कोई ना कोई उनका जो जो भी ग्रीक कॉमेडी थी उस उनके कैरेक्टर्स में किसी भी तरह का, अगर आप ये कहिए कि नैतिकता नहीं थी, नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से वे लोग जो है काफी घिरे हुए थे, इस तरह की बातें हमें। लेकिन शेक्सपियर ने नया एक्सपेरिमेंट कॉमेडी में किया, और उन्होंने कहा पहली बात तो मैं प्रोज और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा। और आप देखेंगे कि जो शेक्सपियर की कॉमेडी है यह भी किसमें लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में। इट शेक्सपियरियन कॉमेडी हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, शेक्सपियरियन पी ई ए आर ई ए, शेक्सपियरियन कॉमेडी हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। तो एक तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, प्रोजाइक लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। और शेक्सपियरियन कॉमेडी में दो प्लॉट होता है, मेजर प्लॉट और माइनर प्लॉट। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज टू प्लॉट्स, टू प्लॉट्स, मेजर एंड माइनर, बोथ आर इंटरलिंक्ड, बोथ आर इंटर, इसमें दो प्लॉट होता है, एक तो मेजर प्लॉट होता है और एक माइनर प्लॉट होता है, और दोनों प्लॉट क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड आपस में जुड़े होते हैं। तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे क्या है, मेजर प्लॉट है, माइनर प्लॉट है, और दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए। चाहे आप 12th Night की बात करेंगे, वहां पर भी ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, हमें इन सब चीजों को बहुत भली भांति ध्यान में रखना है कि दोनों कॉमेडीज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स वहां पर अप्लाई किए जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स तो किंग्स क्वींस है ही है, उनके बीच के कोर्टली मैनर्स भी है, वहां का अफेयर भी दिखाया जा रहा है। लेकिन यू विल कम टू नो कि इन मोस्ट कॉमेडीज यू विल फाइंड द हीरोइंस आर इन डिसगाइज फॉर्म, जो इन 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 मोस्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, DIES, इन मोस्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर हीरोइंस आर इन डिसगाइज फॉर्म। मैंने वर्ड मोस्ट वर्ड यूज किया है, मैंने नहीं कहा कि सारी में, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने मोस्ट वर्ड यूज किया, इन मोस्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर हीरोइंस आर इन डिसगाइज फॉर्म। डिस्गाइज फॉर्म में होती है, डिस्गाइज फॉर्म में अगर आप देखेंगे कि चाहे आप पोर्सिया की बात करेंगे, जब पोर्सिया जो है क्या कहती है कोर्ट में आती है तो वह कैसे जो है डिस्गाइज फॉर्म में आती है और एक एडवोकेट का रोल प्ले करती है। और ऐसे ही अगर आप 12th Night में देखेंगे वायला और ओलिविया के को लेकर के कैसे जो है
वहां पे उनका रोल रहा है, तो वो सब हम डिटेल में आएंगे जब एक एक प्ले को लेके बात करें, लेकिन हल्का सा आपको मैं रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ कि ये चीज कहाँ नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी शेक्सपियरियन कॉमेडी की जो हीरोइंस हैं वे सबके सब क्या हैं, वे अगर अगर वे जो है दे इफ दे आर ब्यूटीफुल आउटवर्डली, तो शेक्सपियर ने उनको दिखाया दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल। तो रिमेम्बर दैट कि शेक्सपियर शेक्सपियर यस एच ए के ई एस पी ई पी ई ए आर ई शेक्सपियर्स शेक्सपियर्स हीरोइंस इन कॉमेडीज आर हाईली इंटेलेक्चुअल, इन कॉमेडीज आर हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल दे टैकल द सिचुएशन। शेक्सपियर्स की जो भी हीरोइंस हैं आप देखिए वे काफी इंटेलेक्चुअल है, वे पूरे सिचुएशन को टैकल करती हैं, वेदर यू गो विद द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेदर यू गो ट्वेल्थ नाइट एज यू लाइक इट, यू विल कम टू नो हर जगह पे एक पार्टिकुलर सिचुएशन आपको जरूर आएगा जहां पे शेक्सपियर की हीरोइने खुद इन्वॉल्व है, दे आर इन्वॉल्व, दे आर इंगेज्ड नॉट ओनली इन मेरी मेकिंग एटमोसफियर, नॉट ओनली दे आर लविंग मीन्स हीरोज आर उनको, बल्कि उनकी लाइफ को भी वे बचाने की कोशिश करती है, जो प्रॉब्लम्स आता है जो हर्डल्स होते हैं वे उसको फेस करती है और उसको सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ये खासियत है कि शेक्सपियर हीरोइंस इन इन कॉमेडीज आर हाईली इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर गेव वैल्यू टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी रादर देन फिजिकल। शेक्सपियर ने जो है जो अपनी कॉमेडीज में जिस ब्यूटी को लेके बात कही हुई है उन्होंने इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को ज्यादा महत्व दिया हुआ है रादर देन फिजिकल। फिजिकल ब्यूटी को उन्होंने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना उन्होंने इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को इंपॉर्टेंस दिया है। सो आपको ये माइंड में ध्यान में रखना है कि एज अ राइटर व्हेन ही राइट्स कॉमेडी ऑलवेज ही कीप्स इन हिज माइंड दैट देर इज सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड, देर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। वहां पे उन्होंने इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को महत्व दिया रादर देन फिजिकल, पूरा शब्द नहीं लिख पाया था मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी की जगह उन्होंने जिस ब्यूटी को इम्पोर्टेंस दिया है वह इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को उन्होंने महत्व दिया हुआ है। सो ये चीज जानना हमें बेहद जरूरी है। अब उसके बाद आपको ये समझना है कि मैंने सारी बातें बता दी, शेक्सपियर की कॉमेडी का थीम क्या है, जितनी भी उनकी कॉमेडीज हैं उसका थीम जनरल पॉइंट क्या आपको मिलेगा, लव मैरिज म्यूजिक, ये एक इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो अभी तक मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं वो एक जगह कर दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी बौद्धिक सुंदरता एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया। ये हर आदमी को हमेशा माइंड में रखना चाहिए जब भी वह शेक्सपियर की कॉमेडी को पढ़े, उसके दिमाग में होना चाहिए कि शेक्सपियर अपनी कॉमेडी में जोकिंग नहीं जोक नहीं करते हैं, वो जोक नहीं सुनाते हैं, वो मिमिक्री नहीं करते हैं, उनके यहाँ पिटी इशूज नहीं, उनके यहाँ रिडिकुलस सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बल्कि शेक्सपियर अपनी कॉमेडीज में बहुत सीरियस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, और अगर सब्जेक्ट मैटर लव भी है तो उस लव में भी वो सीरियसनेस कुछ समय के लिए डाल देते हैं, और यू विल कम टू नो लव है, मैरिज है, म्यूजिक है, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने अपनी सारी बातें रखी हुई हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इनके ऊपर एक क्रिटिक है, क्रिटिक्स ऑन शेक्सपियरियन कॉमेडी, कॉमेडी क्रिटिक्स
क्रिटिक्स बहुत सारे हैं, कोई इसमें बड़ी चीजें नहीं, लेकिन ये क्रिटिक्स का नाम मैंने अभी आपको बताया था, उसका क्या नाम था, दैट वाज जॉन रस्किन। लेकिन एक और है जिनका नाम है एलार्डाइस निकोल, एलार्डाइस DYC, एलार्डाइस निकोल NICOLL। एलार्डाइस निकोल जो रहे हैं, इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम है शेक्सपियरियन कॉमेडी। एलार्डाइस निकोल रोट अ बुक नेम्ड शेक्सपियरियन कॉमेडी। शेक्सपियरियन कॉमेडी एलार्डाइस निकोल ने जो है एक किताब लिखा था, और उस किताब का क्या नाम है, शेक्सपियरियन कॉमेडी नाम है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप करिएगा इस राइटर का नाम ना भूलिएगा। जैसे शेक्सपियरियन ट्रेजिडी पर एक बड़े क्रिटिक हैं, और उनका जो नाम है, जस्ट आई टोल्ड यू कि उन्होंने किताब लिखा हुआ है, एसी ब्रैडली। एसी ब्रैडली ने शेक्सपियरियन ट्रेजिडी नाम से किताब लिखी, ऐसी शेक्सपियरियन कॉमेडी पर एलार्डाइस निकोल एक बड़े क्रिटिक में शुमार किए जाते हैं। बाकी जॉन रस्किन मैंने आपको बताया ही कि जॉन रस्किन ने क्या कोटेशन उनके बारे में कहा है और क्या क्या चीजें हैं। आई विल टेक थोड़ा सा और मैं समय लूंगा, और मैं एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, बस थोड़ा सा समय, जिसमें क्योंकि जितनी सारी बातें मैं व्हाइट बोर्ड पे करता आज की क्लास में, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो एक उसमें और मैं बात करूंगा, शेक्सपियर ने एक नई तरह की ड्रामा की शुरुआत की जिसका नाम है ट्रेजी कॉमेडी। अगर कभी भी आता है कि जैसे ये पूछा जाता है कि अंग्रेजी में पहला हिस्टोरिकल प्ले किसने लिखा, तो अंग्रेजी में पहला हिस्टोरिकल प्ले जो है क्रिस्टोफर मार्लो का एडवर्ड सेकेंड है। ऐसे ही अगर कभी क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश में सबसे पहले ट्रेजिक कॉमेडी लिखने की शुरुआत किसने की, तो शेक्सपियर ने। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पॉइंट है ट्रेजिक कॉमेडी, द क्रेडिट गोज टू शेक्सपियर, द क्रेडिट गोज टू शेक्सपियर। टू राइट सच टाइप ऑफ प्ले, टू राइट द क्रेडिट गोज टू शेक्सपियर टू राइट सच टाइप ऑफ प्ले। एग्जाम्पल ग्रेसिया जो एग्जाम्पल होगा उसमें आपको तुरंत डालना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसपे उन्होंने ट्रेजी कॉमेडी के कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर के उस पे उन्होंने बात किया था। तो ये चीजें नजर आती कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और उस द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपको ये पता चलेगा कि कैसे वो ट्रेजी कॉमेडी, जब हम उसको डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो शायलाक का डेथ है, और शायलाक की डेथ के अलावा जो कोर्ट सीन, जो ट्रायल सीन है, उस ट्रायल सीन में ऐसा लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, जिस हिसाब से जो है शायलाक रिवेंज की आग में जल रहा था एंटोनियो से। तो वो जो पूरा मंजर है, वो पूरा मंजर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहां पे लगता है कि ट्रेजिडी हावी हो रही है, लेकिन बाद में पोर्सिया की अपनी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी से हम उस प्रॉब्लम से एंटोनियो बाहर निकलते हैं। तो इस तरह की जब सब्जेक्ट मैटर कॉमेडी में डाला जाता है तो वह किसका हिस्सा बन जाता है, ट्रेजी कॉमेडी का हिस्सा बन जाता है। और यहां से दो क्वेश्चन पूछे गए जो हर आदमी को, या इट्स फर्स्ट मीन्स मैडम, फर्स्ट अकाउंट होगी, इससे पहले ट्रेजी कॉमेडी किसी ने नहीं लिखा है। शेक्सपियर पहले राइटर हैं जिन्होंने ट्रेजी कॉमेडी लिखा हुआ है, और मेरा जो अपना जानकारी है कि ये जो है केवल शेक्सपियर ही है जिन्होंने शुरू किया हुआ, मेरा अपना नहीं, मतलब मैं एम एच अब्राम्स की बात बता रहा हूँ। एम एच अब्राम्स के अनुसार, एम एच अब्राम्स ने ये बताया कि उन्होंने किया, और उनका इस प्ले को इसीलिए बहुत हाईलाइट किया जाता है, और कई जगहों पे पूछा गया कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस को किस कैटेगरी में रखा जाता है, ट्रेजिडी में, कॉमेडी में, ट्रेजी कॉमेडी, ये भी ऑप्शन दिया गया।
जब भी ट्रेजी कॉमेडी की बात आएगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रेजी कॉमेडी में, कई जगहों पर ये चीज गलत पेपर बनाया गया और द मर्चेंट ऑफ वेनिस को कॉमेडी में रखा गया, वहां पे क्वेश्चन मार्क किया गया कि अगर आपने ट्रेजी कॉमेडी का एग्जाम्पल दिया तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस विल बी द पार्ट ऑफ ट्रेजी कॉमेडी नॉट कॉमेडी, या तो ऑप्शन ट्रेजी कॉमेडी ना आया होता। अगर ऑप्शन ट्रेजी कॉमेडी नहीं आएगा तब तो मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमेडी में आएगा, और अगर आपने ऑप्शन ट्रेजी कॉमेडी का दे दिया तो इट विल बी द पार्ट ऑफ ट्रेजी कॉमेडी। दूसरा चीज आपको जो ध्यान में रखना है कि जो ट्रेजी कॉमेडी जो शेक्सपियर ने शुरू किया था, इस पार्टिकुलर चीज को लेकर के डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक एसे लिखा है जिसमें उनकी वो बहुत तारीफ करते हैं, और आपको ध्यान में रखना है व्हाट इज दैट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मैं सोनाली मैडम से मुखातिब हूँ, मैं केवल 2 मिनट मैडम लूंगा, मुझे याद है कि आपको 9:20 पे मुझे छोड़ देना है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, DICTIONARY, रोट अ प्ले, सॉरी, रोट अ क्रिटिकल एसे, रोट अ क्रिटिकल एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर, प्रीफेस टू शेक्सपियर, SHAKESPEAR। ये चीज पूछी जा चुकी है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, इसको आपको ध्यान में रखना कि प्रीफेस टू शेक्सपियर हैज बीन आस्क्ड, सो प्रीफेस टू शेक्सपियर, रोट अ क्रिटिकल एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर इन विच ही एडमायर्स विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर फॉर राइटिंग ट्रेजी कॉमेडी, फॉर राइटिंग ट्रेजी कॉमेडी। ये क्वेश्चन आया है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कौन सा क्रिटिकल एसे लिखा है जिसमें उन्होंने शेक्सपियर की ट्रेजी कॉमेडी की तारीफ की है। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो एसे लिखा है क्रिटिकल, उसका नाम है प्रीफेस टू शेक्सपियर एंड ही एडमायर्स विलियम शेक्सपियर, वो विलियम शेक्सपियर की तारीफ करते हैं। तो इतना सारी बातें मैंने आपको बताया, और मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, जस्ट लेट मी क्लोज रिकॉर्डिंग, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ये है कि अगर आज आप लोग मुझे शाम को समय दे दें 4:30 बजे या 5 बजे, तो मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता था, अगर आप लोगों के पास टाइम हो, नहीं तो 6 बजे से तो क्लास रहेगी ही। अच्छा, तो क्या 6 बजे के बाद हम लोग बड़ी क्लास ले लें? कहीं नहीं, आप बिल्कुल जैसा आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग ये कहिएगा तो मैं 6 से लेकर के 7, 7:30 तक एक क्लास ले लूं, फिर आपको 15-20 मिनट का ब्रेक दे दूं, उसके बाद ठीक है, ठीक, आठ बजे से, 1 मिनट, 1 मिनट, 8 बजे से केडी सर की क्लास है, 8 बजे से लेके कई बजे तक? नहीं, अच्छा ऐसा है कि, अच्छा ठीक है, आप लोगों के पास, यू ऑल आर सो, नहीं मुझे, अब मुझे ये लग रहा है कि यू ऑल आर सो बिजी, मैं ही केवल खाली हूँ, और मैं इसलिए जो है ये चाहता हूँ कि मैं 6 से लेकर के 8 तक की मैं क्लास लगातार करूंगा, और उसमें जिसको जो काम निपटाना है बीच में निपटा लेगा अपना, मैं ब्रेक दूंगा, सोनाली मैडम का कहना है तो मैं बीच में थोड़े समय, चूंकि 6 से 8 मैं भी लगातार नहीं बोल पाऊँ, चूंकि मुझे आज 2 ड्रामा डिस्कस करना है, तो मैं थोड़ा सा समय दूंगा, लेकिन आप 6 से 8 के लिए तैयार रहिएगा, माइंड मेकअप किए रहिएगा।
हाँ शाम को 6 से 8, बाकी मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समय कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा सोनाली मैडम, उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेंगे आराम से, 15 नहीं 20 मिनट, मैं भी अपना एडजस्ट करूंगा, मुझे भी करना रहेगा थोड़ा सा। हाँ या 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 नहीं, उसपे हम लोग हम लोग उसको करेंगे, बिकॉज अब ऐसा है कि मैडम कंपटीशन ना लीजिए। अच्छा खैर, ये अब ये नहीं, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब हम 2 घंटे की क्लास लेंगे तो उसमें मैं 20 मिनट का ब्रेक दूंगा, आप आराम से अपने कामों को निपटा लीजिएगा और लोग भी अपने कामों को निपटा लेंगे। और जो बात हम लोग 6 से 8 कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एकदम घड़ी फिक्स है, हम 6 से 8 भी जा सकते हैं, अगर 20 मिनट में इधर ब्रेक दूंगा तो मैं 8, 10, 8 तक भी चीज़ों को कर लूंगा, और मुझे भी बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मुझे भी बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा, तो ऐसी कंडीशन में मैं 8, 10। चक्रेश जी कुछ कह रहे हैं? चक्रेश जी हाँ नहीं, बात नहीं, अभी हम सारे लोगों को जो है लेके चलना है, ऐसा नहीं कि हम कोई हिटलर है, तानाशाह है, सबकी बातों को डेमोक्रेटिक नेशन में रखना चाहिए और कोई उसमें तानाशाही नहीं चलनी चाहिए कि बीइंग अ टीचर नहीं, नहीं किसी का डिस्टर्बेंस नहीं, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मेरी भी जो कैपेसिटी होगी 2 घंटे से ज्यादा की नहीं हो सकती, किसी भी टीचर की 2 घंटे से ज्यादा कैपेसिटी नहीं हो, लेकिन उस 2 घंटे के लिए अगर 15-20 मिनट का कोई ब्रेक चाहिए तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, तो 6 से 8 का डन है, उसमें देर इज नो मैटर, उसमें वी विल मीट इन द इवनिंग। ओके ओके।